नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। T20 GK टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए ये चौथा पार्ट है, और जहाँ तक आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी संतुष्ट होंगे क्वेश्चन से। आगे भी इससे जारी ये रहेगा, आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, आप लोग का आज का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपने कॉपी में आंसर लिख लें, उसके बाद मैं आंसर इसका बोर्ड पर लिखूँगा। इससे आप मिलाइए और शेयर कीजिए कितना करेक्ट हुआ आपका, कमेंट्स में दीजिए। चलिए, टाइम हो चुका है, 1.5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ये आप लोग का आज का ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 मई को। इसका थीम क्या है? इस बार जो 2020 में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया, इसका थीम क्या है दोस्तों? इसका थीम है इनफ अस्थमा डे, इनफ अस्थमा डे। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार बराहवा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार भारत में तीसरा राज्य बिहार है, और क्षेत्रफल के अनुसार बरहवा बिहार है, दोनों में बिहार होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है, कितना डिग्री अक्षांश है, जो भारत को दो लगभग भागों में विभाजित करता है? वो है 23 डिग्री 31 मिनट, 23 डिग्री 31 मिनट इसको बोला जाता है। चलिए, आगे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सातवां मंडल किस भगवान को समर्पित है? ऋग्वेद का सातवां मंडल किस भगवान को समर्पित है? तो वह है वरुण को, वरुण, वरुण भगवान को समर्पित है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है, पुरुषनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। आगे क्वेश्चन 7 नंबर है, विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन है? विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी,
गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो बालू पर पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैमोफाइट। सैमोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत मात्रा 0% होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, निकेल क्रोमियम आयरन होता है। चलिए आगे है कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकलता है? जब फुटबॉल में जो गैस भरा जाता है उसमें से कौन सा गैस सबसे जल्दी बाहर निकलता है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा होता है? जो पैराशूट बनाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है? टेरिलीन का। टेरिलीन पदार्थ का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? जो सूर्य का ताप पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो वो है विकिरण। विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ए लाइफ पुस्तक का नाम है हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? B.S. नायपाल। B.S. नायपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी का आकलन किस पर आधारित है? तो गरीबी का आकलन किस विधि पर या किस पर आधारित है? तो वो है लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर। लकड़वाला। लकड़वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला के आधार पर। लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्वाचित किया गया? किस संवैधानिक संशोधन, कौन सा ऐसा संशोधन है अधिनियम में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 होता है, जो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो वो है 31वां संवैधानिक संशोधन। 31वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन। ये भी क्वेश्चन पूछता आता है कि विधान परिषद कैसी संस्था है, सदन है? तो एक अस्थाई है। इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के होते हैं। 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। कहता है किसका कथन है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने कहा था? यह किसका कथन है?
यह है सरोजनी नायडू का, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? जो राज्यपाल का पद का गोपनीयता का शपथ है वो कौन ग्रहण करवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये था आप लोग का आज का 20 क्वेश्चन, और कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, आप लोग उसका आंसर दिए होंगे। क्वेश्चन था, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता थी, जो 1993 में चढ़ी थी। और आज का क्वेश्चन है होमवर्क के लिए,